हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे रिवर बोट या फिर रिवर स्विमर वाली प्रॉब्लम्स। तो फ्रेंड्स, रिवर बोट और रिवर स्विमर वाली प्रॉब्लम में क्या होता है? ऐसा होता है कि हम मानते क्या हैं, होता ही है कि एक रिवर जो है वो फ्लो कर रही है कुछ स्पीड से, सपोज़ करिए 3 किलोमीटर पर आवर से, और एक मैन है जो उस रिवर को पार करना चाहता है। मान लीजिए रिवर की कुछ विड्थ है, सपोज़ करिए 16 किलोमीटर हो गई। तो मैन क्या करता है, मैन वर्टिकल डायरेक्शन में स्विम करना स्टार्ट करता है, और मैन को ऐसा लगता है कि वो वर्टिकल ही स्विम कर रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। मैन स्टार्ट करता है वर्टिकल डायरेक्शन में, लेकिन रिवर की फ़्लो की वजह से उसकी जो एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ फ्लो होती है वो चेंज होकर के किसी एक एंगल पर चली जाती है। तो फ्रेंड्स, उसके द्वारा चली गई जो टोटल डिस्टेंस होती है वो रिवर की विड्थ से थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, और वो वर्टिकल के साथ साथ कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी ट्रैवल कर लेता है। अब तो फ्रेंड्स, ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम एग्जांपल से ही स्टार्ट करते हैं। तो सपोज़ करिए एक रिवर है, उसकी विड्थ जो है 16 किलोमीटर है, और रिवर की जो स्पीड है वो 3 किलोमीटर पर आवर है। और जो मैन है वो स्विम करना स्टार्ट करता है 4 किलोमीटर पर आवर से। मैन जो है वो स्विम करना स्टार्ट करता है 4 किलोमीटर पर आवर से। तो हमें बताना है टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, एक तो ये बात बतानी है, दूसरा ये बताना है एट व्हाट पॉइंट ऑन ऑपोजिट बैंक ही अराइव्स, दूसरी ये बात बतानी है। तो फ्रेंड, जैसा हम रेन मैन प्रॉब्लम में करते थे वैसा ही हमें इसमें भी करना है। बस इसमें हमें ये करना है कि हमें मैन की जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करनी है। हमें, जैसा कि मैंने बताया था पहले भी, हमें ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, या फिर हम ऐसा कह लें कि एक ऑब्जर्वर है जो नदी के किनारे खड़ा है और देख रहा है इस मैन को तैरते हुए, तो उसके रेस्पेक्ट में हमें इसकी वेलोसिटी जो है कैलकुलेट करनी है। तो ऐसा कैसे कर पाएंगे हम? तो हम ये मानते हैं फ्रेंड्स कि जिस स्पीड से ये तैरना स्टार्ट करता है वो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू रिवर। देखिए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर क्या होगी? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हमें पता होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, वो हमें पता है 4 किलोमीटर पर आवर है, और किस डायरेक्शन में है? प्लस 4j के डायरेक्शन में। तो फ्रेंड्स, हमें क्या निकालना है यहाँ से? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, उसको हम क्या मान लेते हैं, उसको हम वेरिएबल मान लेते हैं, -3i कैप। ये क्या है? ये 3i कैप, ये क्योंकि रिवर तो प्लस एक्स डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो इसको हमने क्या मान लिया? 3i कैप। अब क्योंकि यहाँ पे -rg है, इसी वजह से यहाँ पे -3i कैप आ गया। तो यहाँ से अगर हम ये -3i कैप लेकर के जाएं राइट हैंड साइड में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आ जाएगा? 3i कैप प्लस 4j कैप। अब ये फ्रेंड्स क्या है हमारे पास, एक्चुअली क्या है ये? अब ये हमें बता रहा है कि जो मैन है वो उसकी जो एक्चुअल वेलोसिटी है वो चेंज हो चुकी है। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे
तो आएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, ये 5 के बराबर आ जाएगा। तो उसने स्टार्ट किया था 4 किलोमीटर पर आवर से, लेकिन उसकी वेलोसिटी हो कितनी गई, 5। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा रिवर के फ्लो की वजह से हुआ। तो फ्रेंड्स अब देखिए, अब उसको लेकिन उसको टाइम कितना लगेगा लेकिन उसको टाइम कितना लगेगा टाइम कितना लगेगा लगेगा रिवर को क्रॉस करने में, वो देखिए, डिस्प्लेसमेंट 16 किलोमीटर, वेलोसिटी 4 किलोमीटर पर आर। ये वर्टिकल वेलोसिटी है, उसकी वर्टिकल वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, वर्टिकल वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। ये जो उसकी वेलोसिटी बढ़ गई है, इसकी वजह से उसके द्वारा चली गई तो टोटल डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगी, लेकिन जो उसका डिस्प्लेसमेंट, अगर हम ये देख रहे हो आप, ये जो उसका आप वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देख रहे हो, ये चेंज नहीं हो रहा है। और ये जो इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा वो केवल किसकी वजह से होगा, वो वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से होगा वेलोसिटी के। तो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट कितना है, 4 4। तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिया गया है, वेलोसिटी को 4 किलोमीटर पर आ लिया गया है। तो टोटल टाइम कितना लगा उसको क्रॉस द रिवर, 16 डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई वर्टिकल वेलोसिटी 16/4, ये कितना हो गया, 4 आर। इसके अलावा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई हिम, इसको ड्रिफ्ट भी कहते हैं, तो वो कितना हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट क्या है, 3i कैप। तो टोटल टाइम उसको कितना लगा, 4 आर। तो 4 आर में वो कितना ट्रेवल करेगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा 3 × 4, टाइम इंटू स्पीड, तो 12 किलोमीटर। ये 16 किलोमीटर वर्टिकल चलेगा और 12 किलोमीटर हॉरिजॉन्टल चलेगा टोटल। और एक्चुअल डिस्टेंस ही स्विम्स की बात करें तो इसको आप कैसे भी निकाल सकते हो, इसको आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। ये देखिए, अब ये मैंने बताया ना कि उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी 5 हो गई है और उसने कितना टाइम टोटल ट्रेवल किया है, 4 आर। तो एक तो तरीका ये है कि आप ये 16 किलोमीटर और 12 किलोमीटर का रिजल्टेंट ले लो, एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या है, 5, और टोटल टाइम कितना है, 4। तो मल्टीप्लाई कर लो टाइम इंटू स्पीड, 5 × 4 = 20। तो ये भी कितना आ गया, 20 किलोमीटर। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी सेम वैल्यू आ रही है। तो एक ये तरीका होता है। इसके अलावा दूसरा केस क्या हो सकता है इस क्वेश्चन में, दूसरा केस ये हो सकता है कि मान लीजिए रिवर फ्लो कर रही है 8 किलोमीटर पर आर से प्लस एक्स डायरेक्शन में, और जो मैन है वो माइनस एक्स डायरेक्शन की तरफ कुछ एंगल बनाते हुए, सपोज करिए 37 डिग्री का एंगल बनाते हुए वो स्विम करना स्टार्ट करता है, और रिवर की विड्थ कितनी है, 30 किलोमीटर। इसकी स्पीड कितनी है मैन की विद रिस्पेक्ट टू रिवर, 10 किलोमीटर पर आर। तो अब हमसे क्या पूछा है, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर कितना टाइम लेगा। तो हम देख लेते हैं कितना टाइम लेगा। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसकी वेलोसिटी का वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लेंगे। तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा 10 sin 37। साइन 37 की वैल्यू 3/5, तो 10 × 3/5 हो जाएगा कितना, 6। इसी तरह से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 10 cos 37, cos 37 की वैल्यू 4/5, तो 10 × 4/5 की वैल्यू कितनी हो गई, 8। तो आप देखो, अब इसको आप यहाँ पे आप सीधे देख लो यहाँ से कि रिवर की वेलोसिटी क्या है, 8, और मैन की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है माइनस एक्स डायरेक्शन में क्या है, वो भी 8 है। तो जो इसकी हॉरिजॉन्टल एक्चुअल है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, ये प्लस 8 आई कैप माइनस 8
माइनस एट जे एट आई कैप, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगी, तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वो नहीं होगी, मैन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं होगी इस केस में, रिवर के फ्लो का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा उसकी और उसकी वर्टिकल वेलोसिटी पे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, नेट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है, जीरो जीरो हो जाएगी। तो उसकी उसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, 6 किलोमीटर पर आर या 6J गैप, तो उसको कितना टाइम लगेगा रिवर को क्रॉस करने में, 30 डिवाइड बाई 6, 30 क्या है रिवर की विड्थ, 6 क्या है उसकी वर्टिकल स्पीड, तो कितना टाइम हो गया, 5 आवर, तो 5 आवर में वो रिवर को क्रॉस कर लेगा। अब इसमें और कुछ क्या पूछा जा सकता है, और कुछ तो इसमें पूछा नहीं जा सकता। तो थर्ड एग्जांपल देखते हैं, अब थर्ड एग्जांपल में क्या पूछा जा रहा है, थर्ड एग्जांपल में उनसे पूछा जा रहा है कि जो रिवर है वो 2 किलोमीटर पर आवर से फ्लो कर रही है, उसकी विड्थ है 0.5 किलोमीटर, और जो मैन है वो थीटा डिग्री बनाते हुए, ये माइनस एक्स डायरेक्शन में थीटा डिग्री एंगल बनाते हुए स्विम करना स्टार्ट करता है, तो हमसे बोल रहा है कि कितने एंगल पर ये, किस एंगल पर ये स्विम करना स्टार्ट करे, किस एंगल पर ये स्विम करना स्टार्ट करे, तो इसकी जो है, जो इसका जो ड्रिफ्ट है, ड्रिफ्ट या ऐसे कह लो जो इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होता है वो ज़ीरो रहे, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो आप देखो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी के कंपोनेंट ले लो आप, एक तो ये कंपोनेंट हो जाएगा 3 cos थीटा, एंगल के पास वाला कंपोनेंट है 3 cos थीटा हो गया, ये वर्टिकल वेलोसिटी का। दूसरा कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 3 sin थीटा, ये क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कंपोनेंट हो जाएगा। आप अगर इसका ड्रिफ्ट जीरो करना है, इसकी नेट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए, तो आप यहाँ पर इस फिगर में देखो तो इसकी वेलोसिटी क्या थी, 3 थी, किस डायरेक्शन पे, एंगल थीटा, और जो वर्टिकल से थीटा डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी क्या थी, 3 kmph, इसको हमने ब्रेक कर लिया 3 cos थीटा वर्टिकल में और 3 sin थीटा हॉरिजॉन्टल में, ये रिवर की वेलोसिटी हो गई कितनी, 2 kmph। अब अगर ये 2 जो है ये इस 3 sin थीटा के बराबर हो जाए, तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कंपोनेंट, नेट कंपोनेंट जो है वो जीरो हो जाएगा, ऐसा तो जीरो हो जाएगा, तो इसका हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट जो है यहाँ पे, इसका ड्रिफ्ट होता है वो जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो ऐसा कर लेते हैं, 3 sin थीटा इक्वल टू कर लेते हैं, तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 2/3, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos थीटा इज इक्वल टू 1 - sin² थीटा, 1 - 2/3 का होल स्क्वायर, 4/9, ये 1 - 4/9 हो जाएगा, sin² थीटा 2/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 4/9 हो जाएगा, 1 - 4/9 की वैल्यू हो जाएगी √5/3, cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी √5/3। तो अब देखो आप कितना टाइम, ये cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस इनवर्स √5/3 के लिए जो है इसका ड्रिफ्ट जीरो होगा। तो उस केस में टाइम टेकन कितना होगा इसके द्वारा, टाइम टेकन होगा t = 0.5 width डिवाइड बाई वेलोसिटी वर्टिकल वेलोसिटी 3 cos थीटा, ये वाली वर्टिकल वेलोसिटी 3 cos थीटा, 0.5 डिवाइड बाई 3 × √5/3, ये कितना हो 0.5/√5, या इसको ऐसा कह लो t = 1/2√5 hour। अब ये जो टाइम है, टाइम टेकन, ये मिनिमम टाइम है टू क्रॉस द रिवर,
इसके अलावा और क्या केस बन सकती है? इसके अलावा अभी तक हमने देखा कि या तो ये जीरो हो जा रहा है, इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जीरो हो जा रही है, या तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में या प्लस एक्स डायरेक्शन में जा रही है। अब हम क्या देखेंगे कि जो नेट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो जीरो नहीं होती है। ऐसा कैसे होता है अब देखते हैं। इसमें हमसे बोला है कि जो स्विम रिवर की विड्थ है वो 0.5 किलोमीटर है और जो रिवर की स्पीड है वो 2 KMPH है और जो स्विमर है वो 3 KMPH से 60 डिग्री का एंगल माइनस एक्स डायरेक्शन में 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए स्विम करना स्टार्ट करता है। तो बताना है हमें वही टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, तो क्या होगा इसमें? अब इसमें निकाल लेते हैं इसकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसकी कितना हो जाएगा कंपोनेंट? ये 60 डिग्री के पास वाला एंगल बनेगा कितना? 3 cos 60 डिग्री। और वर्टिकल का क्या बनेगा? 3 sin 60 डिग्री। इसकी वैल्यू आएगी कितनी? 1.5। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1.5 into root 3। अब ये देखिए, इस डायग्राम में देखिए, वेलोसिटी डायग्राम देखिए, तो ये वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है? 1.5 root 3। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी माइनस एक्स डायरेक्शन में कितनी हो गई? 1.5 यहाँ से आई है, और प्लस एक्स डायरेक्शन में कितनी है? 2, ये रिवर की। तो नेट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या हो गई प्लस एक्स डायरेक्शन में? 0.5, और वर्टिकल में क्या हो गई? 1.5 root 3। तो अगर हम लिखें वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो क्या हो जाएगी? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये कितना हो जाएगा? 0.5 i कैप प्लस 1.5 root 3 j कैप। तो टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर क्या हो जाएगा? वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट ले लेते हैं, t = 0.5 / 1.5 root 3। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप देख लो, 0.1 पॉइंट हटा दो, ये पॉइंट हट गया, 15 यहाँ से चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 3 times 3, तो 1/3 root 3 r। तो एक केस ये बनता है। इसके अलावा और क्या हो सकता है? मिनिमम डिस्टेंस टू क्रॉस द रिवर वो हमने कर लिया है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। ये कुछ रिवर की स्पीड है VRG, ये स्विमर की स्पीड है VSR। VSR का मतलब हुआ स्पीड ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। और ये एंगल बनाते हुए जा रहा है थीटा एंगल, वर्टिकल से थीटा एंगल बनाते हुए। इसकी वेलोसिटी के कंपोनेंट ले लेते हैं, एक तो वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा VSR cos थीटा, क्योंकि ये एंगल यहाँ बना रहा है, वर्टिकल से बना रहा है, तो वर्टिकल में cos थीटा चला जाएगा, VSR cos थीटा। और ये क्या हो जाएगा हॉरिजॉन्टल में? VSR sin थीटा। और ये रिवर की स्पीड क्या? रिवर की स्पीड के कंपोनेंट क्या है? VRG। तो टू अचीव जीरो ड्रिफ्ट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी शुड बी जीरो, और टू अचीव जीरो ड्रिफ्ट, इन केस ऑफ जीरो ड्रिफ्ट में क्या होगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का वो जीरो होगा। भाई ये अगर इसको मिनिमम टाइम में रिवर के दूसरे एंड पे पहुंचना है, तो इस जरूर तो मिनिमम डिस्टेंस वाला पाथ क्या होगा? दो पॉइंट के बीच जो है मिनिमम डिस्टेंस का पाथ क्या होता है? उसी को लाइन बोलते हैं। तो इसीलिए अगर ये इसका पाथ हल्का सा भी चेंज हुआ इधर की तरफ या फिर इधर की तरफ, तो इसको मिनिमम, ये मिनिमम टाइम नहीं हो पाएगा। इसीलिए बोल रहे हैं कि अगर इसका ड्रिफ्ट जीरो हो जाए, अगर इसका ड्रिफ्ट जीरो हो जाए, तो जो इसके द्वारा पाथ फॉलो किया गया पाथ होगा वो क्या होगा? मिनिमम डिस्टेंस वाला होगा और मिनिमम टाइम लगेगा। तो इसीलिए इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट जीरो कर रहे हैं। तो VSR sin थीटा क्या हो जाएगा? VRG के बराबर हो जाएगा। तो sin थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? VRG/VSR, या फिर इसको VR/VS से भी डिनोट करते हैं। इसके बाद क्या हो सकता है? मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर,
मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर, तो क्या हो जाएगा डी। डी क्या है, डी क्या है, डी है विड्थ रिवर की, डिवाइड बाई वी एस आर कॉस थीटा, कॉस थीटा वी एस आर कॉस थीटा। अब ये यहाँ पर वी एस आर कॉस थीटा में वी एस आर कॉस थीटा मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम जब होगा तभी टी मिनिमम होगा। भाई जब ये जब इसका ये आप देख रहे हो, ये इसका जब इसकी वैल्यू जब मैक्सिमम होगी तभी इसकी वैल्यू मिनिमम होगी। तो वी एस आर कॉस थीटा मैक्सिमम होने के लिए जरूरी है कि कॉस थीटा जो है वो वन हो, और कॉस थीटा वन होने के लिए जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए। तो मतलब ये एकदम थीटा इज इक्वल टू जीरो, थीटा इज इक्वल टू जीरो पे अगर ये ट्रेवल करे, अगर वेलोसिटी जो इसका है वी एस, वी एस को अगर हम वन मान लें तो इसको ज़ीरो पे ट्रेवल करना पड़ेगा, उस केस में ही पॉसिबल होगा कि इसका टाइम मिनिमम है। तो ये थे कुछ रिवर और मैन वाले प्रॉब्लम्स, इसके बाद हम देखेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।